प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हर्फ लाम की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी पाकिस्तान के खूबसूरत शहर लाहौर के बारे में है। लाहौर शहर में एक लड़का और एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहते थे। लड़की का नाम लाइबा और लड़के का नाम लतीफ़ था। लाइबा और लतीफ़ को लाल रंग बहुत पसंद था, इसीलिए अम्मी ने उनके पूरे कमरे को लाल रंग की चीज़ों से सजाया था। एक दिन अम्मी ने लतीफ़ को बाग में भेजा ताकि वो वहाँ से कुछ लीमू तोड़ कर ले आए। लतीफ़ जब बाग में गया तो वो डर गया, क्योंकि बाग में एक लोमड़ी फिर रही थी। कुछ देर बाद लतीफ़ अपने एक दोस्त के साथ लट्टू से खेलने लगा। जबकि लाइबा ने फैसला किया कि वो लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पसंद की किताब पढ़ेगी। जब अब्बू दफ्तर से वापस आए तो उन्होंने देखा कि मेज़ पर मज़ेदार किस्म के लड्डू रखे थे। ये देखकर अब्बू बहुत खुश हुए और उन सब ने मिलकर लड्डू खाए। रात के वक्त लतीफ़ अब्बू के साथ बाग में गया तो अंधेरा देखकर बहुत डर गया। अब्बू ने लालटेन जलाकर वहां पर रोशनी की। उसके बाद अब्बू ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। सुबह के वक्त लतीफ़ अब्बू और दादा के साथ लोटा लेकर बाग में पानी डालने गया और उन्होंने वहां पर एक लंगूर को देखा जो दरख्त के साथ लटक रहा था। दोहराई लाल लोटा लालटेन लाइब्रेरी लाहौर। लंगूर लटक लड्डू लट्टू लोमड़ी लीमू। आओ लिखना सीखें।